नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है DSR जोन में। मित्रों, खराब से खराब, बुरे से बुरे संबंध को सुधारा जा सकता है। एक ऐसा उपाय, एक ऐसी विधि हम आज आपको बताएंगे जिसे आप करें, आपका संबंध हमेशा के लिए सुधर जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपके संबंध, आपके रिश्ते बिगड़े, घर परिवार में किसी के साथ हो या बाहर किसी से आपका संबंध है, किसी भी तरीके का, कोई मित्र हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका हो सकती है, किसी के साथ भी किसी भी तरह का आपका संबंध बिगड़ गया है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ा ही सरल उपाय है। उपाय में एक विशेष तौर पर बात ध्यान रखें जो पहले ही बताई जा रही है। आप इस उपाय को जब कर रही है तो एक विशेष तौर पर कार्य आपने करना है। जब आपका ये कार्य सफल हो जाए, आपने एक केला दान कर देना है। केला दान कहाँ करेंगे? देखिए, कोई भिखारी हो, मांगने वाला हो, उसे दे दें। कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, परंतु आपके घर का नहीं होना चाहिए, आप उसको भी दान कर सकते हैं। उपाय बड़ा ही सरल है। इसकी विधि, इसकी क्रिया को ध्यानपूर्वक सुने, पूरा सुने अंत तक, आपको लाभ अवश्य होगा और आपका संबंध, आपका रिश्ता जिस किसी भी इंसान से बिगड़ा हुआ है, कारण चाहे कितना भी बड़ा हो, हमेशा के लिए सुधर जाएगा। मित्रों, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह के समय करें, किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय में एकांत में रहना भी आपके लिए आवश्यक नहीं है, बस बताई गई क्रिया को आप चुपचाप से करें। आपने एक स्थान पर बैठना है और घर के सदस्य अगर हैं भी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस वो सदस्य सामने ना हो जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं। घर परिवार का वो सदस्य आपके सामने ना हो जिसके लिए आप कर रहे हैं। अगर परिवार में आपके साथ ही सबकी अनबन है तो फिर आप इसे एकांत में करें, और अगर बाहर का कोई है तो भी आप इसे एकांत में करें। तो मित्रों, आइए जानते हैं इसकी क्रिया। आप एक स्थान पर बैठेंगे, थोड़ा सा आपने कच्चा आटा लेना है, एक दीपक ले लें, जो दिया होता है मिट्टी का वो ले लें, उसमें आपने सरसों का तेल रखना है और रुई की बत्ती उसके अंदर बनानी है, दिए में डालें, इसको आप जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे। किस प्रकार से? एक स्थान पर बैठेंगे, जो आटा है कच्चा, उस आटे को सबसे पहले आप अपने उल्टे हाथ से जिस स्थान पर आप बैठ रहे हैं उसके अगल बगल में कहीं गिरा दें। एक स्थान पर थोड़ा सा चुटकी भर आटा गिरा दें, उसके बाद आप बैठ जाएं। दीपक को अपने सामने रखें, बिल्कुल सामने की तरफ आप दीपक रखेंगे। इसकी लौ, जो इसकी लौ जल रही है दीपक की, आपसे जलाएंगे, इसकी जो लौ होगी वो आपकी तरफ नहीं होगी, आपके सामने की तरफ होगी। कहने का अर्थ, लौ को अपनी तरफ ना करें, बत्ती जो होगी वो आपकी तरफ नहीं होगी, उसे घुमाएं सामने की तरफ, और उसका जो धुआं निकल रहा है लौ के ऊपर, लौ के ऊपर हाथ ना रखें, धुएं में इतना ऊपर हाथ करें कि आपके हाथ जले नहीं, उसका ध्यान रखें। ऊपर ले जाएं, लौ के ऊपर हाथ को ले जाएं, दूरी ठीक प्रकार से बनाकर रखें, कपड़ों का ध्यान रखें, ढीले कपड़े ना पहनें जिससे कि कोई परेशानी ना हो, लटकते हुए कपड़े ना हो। महिलाएं अगर कर रही हैं, विशेष तौर पर हमारे भाई मित्र कर रहे हैं, तो वो अपने कमीज के आस्तीन वगैरह का ध्यान रखें। तो मित्रों, ये आपने हाथ अपना सीधा उसकी लौ के ऊपर लाना है और आंखें बंद करें, उस व्यक्ति को स्मरण करें जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, और उसे स्मरण करके एक मंत्र का आपने 3 बार उच्चारण करना है। ओम सौम्य अभि संबंध सधो गुरु वश्य। व्यक्ति को केवल स्मरण करना है और फिर ये मंत्र बोलना है, उसका नाम कहीं नहीं आएगा। स्मरण जब करेंगे तो आप ठीक प्रकार से उसके चेहरे को याद करेंगे, नाम कहीं नहीं लेना इस मंत्र में, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। 3 बार मंत्र बोला, उसके बाद आपने अपने हाथ को, जो आपने हाथ लौ के ऊपर रखा है सीधा, वो दोनों आंखों पर 1 बार छलांग लें, और बस उसके बाद आप स्थान से खड़े हो जाएं। आटे को वहीं छोड़ दें, जब सफाई होगी अपने आप हटेगा। जो दीपक है उसे आप अपने घर की तुलसी पर रख सकते हैं, उसके किनारे पर वहीं रख दें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा ना हो
तो आप इसे घर के बाहर रखेंगे, घर के आंगन में कहीं रखते। ये आसान सा कार्य न करो करें और उसके बाद देखें आपके संबंध, आपके रिश्ते हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। अब देहा के अंतरों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।